तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इस प्रकार का फ़ोटो एडिट। ठीक है, नॉर्मल फ़ोटो कुछ इस प्रकार से रहेगा, एडिट करने के बाद वो इससे भी बेटर दिखेगा। ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि अब हम इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक प्रीसेट देने वाला हूँ और जो प्रीसेट है वो ज़्यादातर मोस्टली चांस है कि अगर आपने रेड शर्ट पहनी है, रेड टी शर्ट, जो भी आपने रेड ड्रेस पहनी है, मतलब आपका जो हाफ फोटो होना चाहिए और उसमें आपने जो भी कपड़ा पहने रखा हो वो रेड होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो प्रीसेट जो है अच्छे से वर्क करेगी। तो प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड तो हर कोई कर लेगा डिस्क्रिप्शन में जाके, बट उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो यूज़ करने के लिए तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे कस्टमाइज करना है। तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉपी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ से सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। कॉपी सेटिंग हमने कर ली है, एक बार और कर लेते हैं। और उसके बाद इस फोटो पर आ जाना है, मतलब इस पर तो नहीं, आपका जो भी फोटो हो उस पर क्लिक करना है और फिर पेस्ट सेटिंग करना है। अब जैसे ही पेस्ट करोगे तो फेस थोड़ा सा आप काला दिखेगा, कहीं आपको हाथ काले दिखेंगे, तो उसको कस्टमाइज करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, लाइट पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे। उसके बाद जो है आपको शेडोज अपने हिसाब से करना है, तो हम थोड़ी सी कम करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और कम कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्टिव टूल पर क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन सॉरी इस गोल सर्कल जो उस पर क्लिक करना है और फेस पर एक सर्कल बना लेना है आपको, ठीक है। तो हम एक फेस पर एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से आपको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट कम करना है और एक्सपोजर को बढ़ा देना है, तो फेस एक ही बार में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हैंड में देखो बिगनेट डाला है, तो हैंड में शेडोज आएगी आएगी, तो ये फ़ोटो रियल लगेगा। इस चक्कर में तो हम फेस मतलब इन हाथ को गोरा नहीं कर सकते यहाँ पर, और आपको भी ऐसा ही अगर फ़ोटो है तो आप नहीं करना, ठीक है, ताकि ये फ़ोटो ज़्यादा बेटर लगे। उसके बाद आता है बैकग्राउंड की बात, तो कलर्स में चलेंगे, मिक्स पर चलेंगे। अब देखो बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कुछ इस प्रकार से ह्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, तो हम थोड़ा इस प्रकार से रखते हैं। सैचुरेशन देखते हैं, तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सैचुरेशन थोड़ी कम करते हैं, कुछ इस प्रकार से फ़ोटो लगेगा। डन पर क्लिक करना है, फिर आपको मिलता है इफ़ेक्ट्स टूल। आपको ऐप का नाम तो पता ही होगा, लाइट रूम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीमियम एपीके का, तो डाउनलोड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का मिलेगा, ना कि लाइट रूम का। लाइट रूम का उसी वेबसाइट में है, क्योंकि हम लाइट रूम के नाम से नहीं दे सकते, स्ट्राइक वगैरह का खतरा रहता है, ठीक है। तो विगनेट यहाँ पर हमने डाल दिया है, ठीक है, तो सब कुछ हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो कुछ इस प्रकार का फ़ोटो था, मैं आपको एक बार बताता हूँ, और एडिट करने के बाद वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी ज़्यादा बहुत सारे तुम्हारी डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी वेबसाइट पर, तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।